हेलो नमस्कार। हमारे संगीत चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे चैनल पर जो भी अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसका फायदा उठा सकें। इस वीडियो में मैं एक गीत जो जगजीत जी के द्वारा गाया गया मूवी में होठों से छू लो तुम, इसका रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। इससे पहले भी इसका एक रिकॉर्ड मैं दिया था परंतु उस समय उसमें शायद उसका जो इंटरल्यूड्स है बिगनिंग का म्यूजिक और बीच का म्यूजिक प्रॉपर पूरे तरीके से शायद नहीं दिया था, शॉर्टकट में केवल गीत को सिखाया था। तो आज मैं इसे बिगनिंग से लेके एंड तक के सभी म्यूजिक के साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हर एक म्यूजिक को प्रॉपर तरीके से सीख लें, प्रॉपर तरीके से बजाएं और प्रॉपर अभ्यास करें तो मैं समझता हूं कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस गाना को। और अगर आप थोड़ी धीमी गति से तैयार करते हैं तो मैं ऐसे लोगों के लिए भी कहूंगा कि जो लोग म्यूजिक से बिल्कुल अननोन हैं, वो भी अगर उनके पास इंस्ट्रूमेंट है कीबोर्ड या हारमोनियम तो वो इसे बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूं और गौर करें, एक एक म्यूजिक को, एक एक पीस को गौर करें। जब ये गाना शुरू होता है, अच्छा इसे मैं डी शार्प से बजा रहा हूं और इसके जो स्वर हैं वो यमन कल्याण के स्वर कह सकते हैं। इसमें तीव्र मा और शुद्ध मा दोनों का प्रयोग है और डी शार्प से जो सारे गामा पाधा निसा वो इस तरह से है। मैं ऐसे लोगों के लिए बजा रहा हूं जो कभी सारे गामा पाधा निसा डी शार्प से नहीं बजाए हैं, उनके लिए है ये सा रे ग, ये तीव्र मा है और ये शुद्ध मा है। ठीक है, तो शुद्ध मा से अगर हम जाते हैं प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, और इसमें तीव्र मा का अधिक प्रयोग है तो इसको यमन के स्वरूप से अगर देखें सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। और अगर आप ये सारे गामा पाधा निसा को थोड़ा प्रैक्टिस कर लें गाना शुरू करने से पहले तो इसके सारे नोट्स को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं और आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। गाना शुरू होने से पहले सबसे पहले जो म्यूजिक बजता है वो कुछ इस तरह से है। ये म्यूजिक है पहला और स्वर, इसका जो स्वर है अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं प ध ध प प ध नी। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। उसके बाद हम हैं और हम करते हैं यहां से, इसका जो नोट है वो इस तरह से है। ये है और इस पर हम करेंगे हम। तो अब इसके नोट्स को आप देख लें सा आ रे सा नी नी सा रे नी सा सा रे रे सा। गौर करें नी सा
सारे रे सा ग रे रे सा, ये नोट है। अब इस नोट पर हम करेंगे इस तरह से ठीक है। अब यहां तक फ्लो में कैसे होगा ये देखिए। इतना दूर ठीक है। और इसके बाद होठों से छू लो तुम शुरुआत करना है, लेकिन उससे पहले एक और म्यूजिक है उसे ध्यान दें। और इसका नोट जो है उसे लिखना चाहे तो आप लिख लें, सा नी प ग रे नी प ध प सा। फिर से देखें, सा नी प ग रे नी प ध प सा ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार बिगनिंग से फ्लो, मैं हर चीज गाने के बाद बार बार बिगनिंग से आपको फ्लो में दिखाता जाऊंगा ताकि आप उसे अच्छी तरह समझ सकें। देखिए इतना दूर तक फ्लो में इस तरह बजेगा, और उसके बाद होठों से छू लो तुम शुरू होगा। और देखिए होठों से छू लो तुम कैसे है, होठों से छू लो तुम, फिर से होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। फिर से देखिए, मेरा गीत अमर कर दो। दूसरी लाइन भी इसी तरह है, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। फिर से, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, हो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो ठीक है। तो म्यूजिक के बाद होठों से छू लो तुम यहां तक इस तरह से होगा। अब इसके अंतरा से पहले जो म्यूजिक है, पहले अंतरा से पहले जो म्यूजिक है उसको देखें, गौर करें। और यहां से फिर गीत है,
एक बार इसके नोट को लिख लें आप, सा ग प नी सा ग नी सा ग प ध। ये पहली लाइन म्यूजिक का। दूसरी लाइन प ध नी ध प म ग प। फिर तीसरी लाइन सा नी ध सा नी प ध ध ग। और फिर यहां से ना उम्र की सीमा हो। फिर से देखें ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई। अब देखिए अंतरा में जो ये दो लाइन है, इस दो लाइन का जो कंपोजिशन है वो सेम है लगभग। फिर से एक बार देख लें ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। तो रिकॉर्ड में जब इस लाइन को गाया जाता है तो उसके बाद एक म्यूजिक बीच में है, ठीक है, और वो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से वो म्यूजिक है। और उसके बाद फिर सेकंड पहली लाइन और दूसरी लाइन को दोबारा गाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से गौर करें ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। ये म्यूजिक है बीच में, और इसका नोट्स इस तरह से लिख लें प ध सा नी प ध ग प ध ग। तो इसे गाया इस तरह जाएगा, फ्लो में अगर गाएं तो इस तरह होगा ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की, और उसके बाद फिर दोनों लाइन को साथ में गाया जाएगा, तो मैं धीरे से गा रहा हूं फिर ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। बिल्कुल होठों से छू लो तुम की तरह है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ, और उसके बाद वापस फिर आप आ जाते हैं होठों से छू लो तुम कंपोजिशन पर। गाने की पंक्ति का जो सीक्वेंस है वो आप रिकॉर्ड सुन करके भी लिख सकते हैं और उसी तरह गाएंगे। मैं आपको केवल कंपोजिशन किस तरह बजाया जाएगा, उसके म्यूजिक को कैसे बजाया जाएगा, मैं ये बता रहा हूं। अब देखें दूसरे पैराग्राफ को, और उससे पहले म्यूजिक को। दूसरे पैराग्राफ के पहले जो म्यूजिक है वो इस तरह है।
ये है दूसरे पैराग्राफ से पहले के म्यूजिक। अब इसका नोटेशन अगर चाहे आप तो लिख लें, पाधा सारे गारे सारे गा पा रे गा। फिर से लिख लें, पाधा सारे गारे सारे गा पा रे गा। दूसरी लाइन, गा पा धा सा नी धा। और तीसरी लाइन, गा रे रे सा सा नी पा धा धा गा। फिर से, गा रे रे सा सा नी पा धा धा गा। फिर यहां से अंतरा शुरू होता है दूसरे पैराग्राफ का। आकाश का सूनापन मेरे तन हा मन में। और अंतरा के पहली लाइन के बाद जो म्यूजिक है वो इस तरह है, और इसका नोट इस तरह से है, गा पा पा धस गा पा पा धसानी पा धा पा सारे रे गा। और फिर अंतरा, आकाश का सूनापन मेरे तन हा मन में, पायल छन काती तुम आ जाओ जीवन में। और उसके बाद तीसरी लाइन, बिल्कुल होठों से छू लो तुम की तरह, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। और फिर होठों से छू लो तुम या बन जाओ मीत मेरे, कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर आप शुरू के म्यूजिक से, प्रारंभ के म्यूजिक से लेकर के पैराग्राफ के म्यूजिक्स को भी बहुत ही धीमी गति से तैयार कर लें, पहले याद कर लें, तो आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसे गा सकते हैं, ठीक है। बस एक बात केवल आप मेरे कहे को मान लें, और वो ये कि अगर एक एक दिन में भी आप एक एक लाइन को 100-100 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप हर म्यूजिक को, हर लाइंस को आप बहुत ही अच्छी तरह गा सकेंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से केवल 15 से 20 दिन, एक महीने के अंदर आप एक गाने को बहुत ही अच्छे से गा पाएंगे। बहुत अच्छे से कहने का मतलब मेरा होता है लगभग प्रोफेशनल की तरह। और अगर आपका कोई भी गाना प्रोफेशनली तैयार हो जाता है अच्छे ढंग से, तो वो आपका एसेट बन जाता है, वो आपके जीवन में एक परफॉर्मिंग का एक खास आइटम बन जाता है जो कि आपके जीवन भर चलता है। अगर आप किसी भी आर्टिस्ट के जीवन को गौर करें, उनके परफॉर्मेंस को गौर करें, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर किसी भी गाने में कोई भी आर्टिस्ट अगर परफेक्शन ले आता है तो वो लोगों के बीच पॉपुलर भी होता है बहुत अच्छा, और वही गाने का फरमाइश वो जीवन भर सुनते रहते हैं, और जीवन भर उन्हें स्टेज पर वो गाना गाना पड़ता है, तो वो एक एसेट बन जाता है। लोग आपको उस गाने के द्वारा पहचान करते हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें और कोशिश करें अपने आप को एक अच्छा सिंगर बनाने का, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। अंत में यही कहूंगा,
कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स भी जरूर किया करें, या कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट्स के द्वारा निश्चित रूप से हमें बताएं, पूछें, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक्स बटन भी आप दबा सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।